नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। उत्तराखंड में रिसेप्शनिस्ट अंकिता की हत्या के बाद मामले में कई नए पहलू सामने आ रहे हैं। अंकिता का शव एसडीआरएफ ने चीला नहर से बरामद कर लिया और इसी के साथ ही सीएम धामी ने भी कड़ा रुख अपनाते हुए कार्रवाई के आदेश दिए हैं, जिसके बाद रिजॉर्ट के मालिक समेत तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और अवैध रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाया गया है। रिजॉर्ट के मालिक पुलकतार्य प्रबंधक सौरभ भास्कर और सहायक प्रबंधक अंकित गुप्ता को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अंकिता 18 सितंबर को गायब हुई थी, जिसके 5 दिन बाद उसका शव बरामद हुआ। तो आइए अब आपको बताती हूँ कि 5 दिनों में क्या क्या हुआ है। 18 सितंबर को उत्तराखंड के पौड़ी जिले के यमकेश्वर के वनतारा रिजॉर्ट से संदिग्ध परिस्थितियों में 19 वर्षीय अंकिता भंडारी लापता हो गई। 19 सितंबर को अंकिता भंडारी की गुमशुदगी के संबंध में उसके माता पिता ने राजस्व पुलिस चौकी उदयपुर तल्ला में शिकायत दर्ज कराई। 22 सितंबर को विरोध प्रदर्शन के बाद मामले की गंभीरता को लेकर जांच लक्ष्मण झूला पुलिस को सौंप दी गई। 23 सितंबर को लक्ष्मण झूला पुलिस ने 24 घंटे के अंदर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 23 सितंबर को ही गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उन्हें भेज दिया गया है। अपना जुर्म भी उन्होंने कबूला है। वहीं 23 सितंबर के देर रात रिजॉर्ट के हिस्से को जेसीबी से तोड़ दिया गया। 24 सितंबर को यानी कि आज अंकिता भंडारी के शव की खोज के लिए उत्तराखंड एसडीआरएफ द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया गया और चीला नहर से शव को बरामद कर लिया गया है। देखिए, गम तो दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ गुस्सा भी पूरे उत्तराखंड में दिखाई दे रहा है। हर कोई अंकिता के लिए न्याय की मांग कर रहा है। अंकिता वो जो बच्ची थी, बच्ची की जो मिसिंग दिखाई गई थी, राजस्व पुलिस क्षेत्र था तो 20 तारीख को मिसिंग दिखाई गई। अटारी क्षेत्र था, उन्होंने अपने एफर्ट किए, क्योंकि बाद में उस मिसिंग के बाद के जो घटनाक्रम सामने आए उस हिसाब से मामला संदिग्ध लगा, तो इमीडिएट मामला उच्चाधिकारियों के माध्यम से रेगुलर पुलिस को ट्रांसफर हुआ। कल 2 बजे के आसपास हमें ये मामला हैंडओवर हुआ है। तो मामले की संगीनता को देखते हुए हमारे डीजीपी सर ने एसएसपी सर को निर्देश दिए, जैसा सर ने मुझे बताया, तो उस हिसाब से मुझे हमारे सीओ सर सबको यहाँ भेजा गया और मुझे भी लगा कि मामला बहुत संगीन है, इसमें इमीडिएट चीजों को हमने हैंडल करना है। ऑलरेडी 3-4 दिन डिले हो चुका है, तो यहाँ पर पहुंचने के बाद चूंकि हमारी एसओजी की टीम, हमारे यहाँ जो थाने की टीम है वो सब यहाँ पर थी, उनको ब्रीफ किया गया कि एक कार्य योजना बनाई गई, क्या करना है, कैसे करना है। तो सर्वप्रथम इसकी शुरुआत उस रिजॉर्ट से भी जहाँ से बच्ची को मिसिंग बताया गया था, तो वहां जाने के बाद घटनाक्रम जो कंप्लेन में लिखा गया वैसा नहीं था। मामला वहीं से संदिग्ध स्टार्ट हुआ। होटल के कर्मियों के अलग स्टेटमेंट थे, वहां का सरकमटेंस अलग था, और जो जिस कमरे में बच्ची जिस कमरे से मिसिंग बताई गई वो कमरा चीख चीख के बोल रहा था कि उस रात उस कमरे में कोई नहीं रहा था। तो उसके बाद चीजें जो हमारी मोबाइल ट्रेसिंग है, जो हमारा सीसीटीवी कवरेज है, इन सब पे हमने काम किया, उन लोगों के स्टेटमेंट लिए, जो पर्टिकुलर रूट बताया गया था कि यहाँ से ये लोग गए, यहाँ से वापस आए, इतने बजे आए, उसको प्रॉपर मिनट टू मिनट वॉच किया गया। वॉच करने के बाद लगा कि चीजों में काफी संदिग्धता है। तो अंकिता को इंसाफ दिलाने की मांग तेज होती हुई नजर आ रही है। कल हमने देखा था कि जो जब पुलिस कस्टडी में तीनों आरोपियों को लेकर पुलिस जा रही थी न्यायालय में पेश कराने के लिए, तब लोगों का गुस्सा इस कदर भड़का कि लोगों ने जमकर मारपिटाई की है, कपड़े तक आरोपियों के फाड़ दिए थे, वीडियो भी तेजी के साथ वायरल हुआ था। अब इस खबर पर क्या कुछ अपडेट है, किस तरह से एक्शन लिया जा रहा है, ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सुभाष कौर देहरादून से मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं, वहीं संजय शर्मा ऋषिकेश से मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं संजय करूंगी। संजय, क्या कुछ जानकारी है, बताया जा रहा है कि जो आरोपी है पुलकित आर्य उसके भाई पर भी एक्शन लिया गया है। जी हाँ, अभी अभी इस बात का खुलासा किया है देहरादून में कि जो पुलकित आर्य के भाई थे विनोद आर्य, उनको जो है जो वो एक उसके अनुसूचित समुदाय के वो थे, एक अध्यक्ष थे, उससे भी उनको हटा दिया गया। और साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ एम्स में उसका शव का जो यहाँ पर पोस्टमार्टम हो रहा है, उस जगह अगर हम बात करें तो हजारों की भीड़ में लोग यहाँ खड़े हैं और जहाँ तहाँ पुलिस ही पुलिस है। और पुलिस ने, क्योंकि जितने भी लोग हैं सब बहुत गुस्से में, बहुत ज़्यादा उनके अंदर उबाल है और वो सिर्फ एक चीज़ चाहते हैं कि इन जो आरोपी हैं उन आरोपियों को तुरंत जो है यहाँ से
वो किया जाए, फांसी लगाई जाए, या उनको फास्ट कोर्ट में घेर के उनको तुरंत पूर्व सुनवाई करके उनका निस्कारण करना चाहिए, जिसकी वजह से जो यहाँ लोग हैं वो अपने उबाल को शांत कर पाए। ठीक है संजय, मैं आपका रुख करूंगी। सुभाष भी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। सुभाष, पूरे उत्तराखंड में आवाज गूंज रही है कि अंकिता को जल्द से जल्द इंसाफ मिलना चाहिए, जो आरोपी है उन्हें फांसी की सजा मिलनी चाहिए। जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, वो देश में तो दिखाई दे रहा है, उत्तराखंड में बहुत ज्यादा नजर आ रहा है गुस्सा। महिलाएं जो है सड़कों पर उतरी हुई है, प्रदर्शन हो रहा है, तोड़फोड़ की जा रही है, जो रिजॉर्ट है, जो प्रॉपर्टी है आरोपों की, वहां पर कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि लोग पहुंच रहे हैं, शीशे तोड़ रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द फांसी मिलनी चाहिए। हालांकि 14 दिन के रिमांड पर तीनों आरोपियों को भेजा गया है। साथ ही साथ जो आरोपी है, जो मेन आरोपी है पुलकित आर्य, उसके भाई के साथ भी एक्शन लिया गया है। बताया जा रहा है कि पार्टी से निलंबन हो गया है। जी बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि अंकिता भंडारी का जो मसला था, जिस तरीके से उसकी हत्या की गई, उसके बाद से ही ये कहा जा सकता है कि एक बड़ा विरोध उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है। और ना केवल उत्तराखंड की राजनीतिक दल बल्कि आम जनता इस पर महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभा रही है। और खुद ये कहा जा सकता है कि ऋषिकेश एम्स में जहां अंकिता भंडारी का पोस्टमार्टम अभी किया जा रहा है, उस स्थान पर ही सैकड़ों की तादाद में लोग पहुंचे हैं। और उन लोगों का साफ तौर से कहना है कि अंकिता भंडारी को पूरी तरीके से न्याय मिलना चाहिए और जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए और फांसी उन लोगों को लगाई जानी चाहिए, ऐसी आम जनता की और आम लोगों की मांग भी है। वहीं अगर बात की जाए पुलकित आर्य की, तो पुलकित आर्य के जो भाई है वो बीजेपी के नेता थे, उनके पिताजी बीजेपी के नेता थे और जो उनके भाई थे वो उत्तराखंड के अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष भी। सुभाष, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। दिया गया है, कुल मिलाकर कहा जा सकता है केवल उनको पद से ही नहीं बल्कि पार्टी से भी निष्कासित कर दिया गया है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो बड़ा विरोध प्रदर्शन इस समय आम जनता के तौर से की वजह से देखने को मिल रहा है कि वो काफी आक्रोश है, वो चाहती हैं कि जो अपराधी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, उनको फांसी की सजा दी जाए, तो वो महत्वपूर्ण चीज है। लेकिन इसके साथ ही अगर ये बात की जाए तो जिस रिसोर्ट में ये पूरा अंकिता भंडारी काम किया करती थी, जहां वो रिसेप्शनिस्ट थी, रिसोर्ट को भी तोड़ने के आदेश उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दे दिए थे, जिसके बाद से ही ऊपर बुलडोजर चल गया था। जा रहा है कि जब शिकायत दर्ज कराई गई तब उतनी तेजी के साथ एक्शन नहीं लिया गया, लेकिन जब लोग सड़कों पर उतरे, मांग करने लगे, तब हमने तेजी देखी इस पूरे मामले पर। जी बिल्कुल, अगर ये कहा जाए तो शुरुआती दौर पर जो ये मामला था ये राजस्व पुलिस के पास आता है और इसके जो मुखिया होते हैं वो जिले के जिला अधिकारी होते हैं, यानी कि राजस्व पुलिस इसकी जांच कर रही थी। लेकिन जब राजस्व पुलिस द्वारा कोई भी जांच बेहतर तरीके से नहीं की गई, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, उसके बाद उनके परिजनों ने मांग की कि इसको पुलिस के पास इसको केस को रेफर किया जाए ताकि पुलिस इस पर जांच करे। लेकिन जैसे ही पुलिस के पास ये मसला आया, उसके बाद से ही पुलिस ने लगातार जो होटल है उस होटल में भी पहुंचे, उसके साथ ही इन लोगों से भी बातचीत की जो कि अंकित भंडारी के साथ अंकिता भंडारी के साथ वहां काम करते थे, सबके बयान दर्ज भी कराए गए। लेकिन पुलिस को पहले ही शक हो गया था क्योंकि जिस तरीके से सभी लोगों के जो बयान थे वो मैच नहीं कर रहे थे और जिस तरीके से उनके परिजनों ने जो रिपोर्ट लिखवाई थी वो भी इस पूरे प्रकरण से मैच करती हुई नजर नहीं आ रही थी। और उसके बाद से ही पुलिस की जो सक्रियता है इस मामले में वो तेजी से बढ़ गई और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी चाहा कि इस मामले में कहीं ना कहीं तेजी पकड़े और यही वजह है कि पुलिस धीरे धीरे पूरी परत को साफ करती हुई चले जाए और लास्ट अंतिम समय में ये साफ हो गया कि आखिरकार अंकिता जो भंडारी है उसका कत्ल किया गया है, जिसको लेकर जो पुलकित आर्य हैं उनको गिरफ्तार किया गया, उनके साथ ही उनके दो साथियों को भी गिरफ्तार किया, जिसमें उन्होंने कबूल लिया कि उन्होंने अंकिता भंडारी को ऋषिकेश के किसी ऐसे स्थान पर छोड़ा है जिस स्थान में नदी बहती है और उसके बाद से ही SDRF ने उस क्षेत्र में रेकी करना शुरू किया और आज सुबह जब अंकिता भंडारी की शव उनको बरामद हो गया, उसके बाद से पोस्टमार्टम के लिए उनको ऋषिकेश एम्स भेजा गया, जहां सबसे महत्वपूर्ण चीज ये कि जो स्थानीय विधायक है जी 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 वो एम्स पहुंची तो जो स्थानीय लोग थे, जो लोग नाराज चल रहे थे, उन्होंने विधायक का भी वहां विरोध किया और विधायक की जो गाड़ी थी उसको भी फोड़ दिया। तो
भारी बारिश हम देख रहे हैं पूरे उत्तर भारत में, जिसकी वजह से नेटवर्क की समस्या भी लगातार बनी हुई है। लेकिन अपडेट लगातार हम आपको बता रहे हैं, अपडेट ये कि जैसे कि मेरे सहयोगी ने बताया कि जो डेड बॉडी है अंकिता की, वो सुबह ही मिली है एम्स में। पोस्टमार्टम जो है वो किया जा रहा है, उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आएगी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की पुलिस की हो सकती है, उसका इंतजार हम करेंगे। और मेरे सहयोगी लगातार मुझ तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। इस पूरे मामले में देखा जाए तो एक लड़की महज 19 साल की, जो एक होटल में रिसेप्शनिस्ट थी, आराम से अपनी नौकरी कर रही थी, लेकिन उसे जबरन गलत काम करने के लिए प्रेशराइज किया जा रहा था, जिसकी वजह से उसने ये करने से मना कर दिया। आरोपियों को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने उसकी जान ले ली और शव को नदी में फेंक दिया। मामले को पूरी तरह से रफा दफा करने की कोशिश यहाँ की जा रही थी, लेकिन अंकिता के माता पिता ने शिकायत दर्ज कराई उसकी गुमशुदगी की। उसके बाद जांच पड़ताल की, तब निकल कर सामने आया कि 3 लोगों ने मिलकर मासूम की हत्या कर दी है। फिलहाल पूरे देश में आक्रोश है, हर कोई अंकिता भंडारी के लिए इंसाफ की मांग कर रहा है। इसके साथ ही जो पल पल की अपडेट होगी वो भी हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इतना गुस्सा जो है लोगों का वो दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर सरकार ने एक्शन लिया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि जो रिजॉर्ट थे आरोपी के, वहां पर जो कि अवैध तरीके से बने हुए थे, उन पर एक्शन लिया जा रहा है। देर शाम की तस्वीर आप देख सकते हैं, जेसीबी के माध्यम से इसको गिराया जा रहा है। ये एक्शन कहीं ना कहीं बता रहा है कि सरकार पूरी तरह से ये चाहती है कि जल्द से जल्द अंकिता को इंसाफ मिले, क्योंकि आम जनता मांग कर रही है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, लेकिन कोई हीला हवाली इस पूरे मामले में नहीं चाहिए। सीधे आरोपियों को फांसी होनी चाहिए, ऐसी मांग लोग कर रहे हैं। ये तस्वीरें हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये सरकार ने एक्शन लिया है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एक्शन लिया जा रहा है बुलडोजर के जरिए, ऐसे ही उत्तराखंड में भी जो आरोपी होंगे उनके खिलाफ इस तरह के एक्शन लिए जा रहे हैं। इससे पहले भी उत्तराखंड में बुलडोजर चलता हुआ नजर आया था आरोपियों के खिलाफ। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।